तिगांव पुल पर पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण बताया जा रहा है कि सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे बन गए हैं, इसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और सड़क पर हर समय पानी भरे रहने के कारण बाइक सवार हादसे के शिकार हो रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से यहाँ पर पानी का रिसाव होने के कारण पूरी तरीके से सड़क टूट गई है और इसके कारण आए दिन हादसे होते रहते, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं यहाँ इस रास्ते से डेली निकलता हूँ, बहुत परेशानी होती है यहाँ से निकलने में, क्योंकि पानी बिल्कुल 24 घंटे 24/7 रनिंग है यहाँ से। ये पता नहीं कोई लीकेज है और ना तो कोई ये NTPC वाले देख रहे हैं इसको, ना यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि ये पानी जा रहा है कहाँ, गंदगी फैल रही है इधर, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है पूरा इधर, ठीक है, इससे ही बीमारियाँ फैलेंगी। फिर लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं। कई कल परसों तो मैंने देखा एक बाइक स्लिप हो गई यहाँ पे, बच्चा था साथ में उसके, वो गिर गया। बहुत परेशानी आती है भाई, रोड डेली रिक्शे टेम्पू सब रपटते रहते हैं, कई तो मोटरसाइकिल वाले रपट के इस पर जानती नाली जा रही है, इसमें से ये थोड़ा कि टूटा पड़ा पूरा रोड, इसमें बदबू आती है बहुत ज़्यादा। दुर्घटनाओं का जो कारण बनता है ये चीज़ मोटरसाइकिल वगैरह गिरती है, कई वगैरह कई बार तो गिर गए, आज का कारण भी बनता है ये, जाम भी बहुत लगता है इसकी वजह से। उधर हरियाणा पंजाब सरकार में लंबे समय से चल रहे बताया जा रहा है कि पानी विवाद को लेकर SYL विवाद को लेकर लगातार बातचीत